सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों यार वैसे तो सैमसंग के फ्लैगशिप फोन्स बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और यहाँ पर दोस्तों ये जो है लेटेस्ट गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा यहाँ पे समझ लीजिए कि पावर इंटू 100 हो गई है, बिकॉज यहाँ पे ये है एक चलता फिरता कंप्यूटर सीधा आपकी पॉकेट में, जहां पर दोस्तों बहुत सारे कमाल फीचर्स हैं। और आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं आपसे इन्हीं फीचर्स के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे ये जो फोन है ये सीधा एक बड़े से कंप्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि आखिर कैसी है इसी फोन की सीधी ताकत इनटू 100। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा एक बहुत ही बेहतरीन सा स्मार्टफोन है, लेकिन अगर दोस्तों आपसे बात करता हूँ कि यार आपको चाहिए और बड़ा कैनवस और एक पीसी लाइक एक्सपीरियंस अपने फोन को यूज करने के लिए, तो यहाँ पे दोस्तों सैमसंग पिछले काफी टाइम से हालांकि डेक्स को ऑफर कर रहा है, लेकिन इस बार गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा के साथ में दोस्तों यहाँ पे ये चीजें और ज्यादा एडवांस्ड हो गई हैं वायरलेस डेक्स के साथ में। मतलब आप बड़े आराम से सीधा दोस्तों एक क्लिक के बाद में इस फोन को सीधा अपने टीवी से कनेक्ट कर सकते हैं, और ऐसे में दोस्तों ये कोई भी टीवी हो सकता है जो कि मिराकास्ट को सपोर्ट करता है। और उसके बाद में आप दोस्तों देखेंगे कि जो टीवी का स्क्रीन है वो किसी पीसी की तरह लग रहा है, बिकॉज यहां पर दोस्तों ये बेसिकली आपका फोन ही है, लेकिन ये क्योंकि फिलहाल डेक्स मोड में है तो आपको एक पीसी लाइक एक्सपीरियंस दे रहा है, जहां पर दोस्तों आप अपने जो चाहे वो काम कंप्लीट कर सकते हैं, फिर चाहे आप बात करें अपनी एप्स को यूज करने की। और एक पीसी की तरह मतलब दोस्तों आप देखेंगे कि यहां पर आप विंडोज को रिसाइज कर सकते हैं एक साथ, भैया जितना चाहें उतना सामने कंटेंट का मजा उठा सकते हैं अलग अलग ऐप्स में। इसके अलावा दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे, आप अपनी फाइल्स को बेहतर मैनेज कर पाएंगे। यहां पे बेसिकली जो काम अपने आप फोन पे करते हैं दोस्तों फोन के स्क्रीन पे, उसी को और एक बड़े कैनवस के थ्रू बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और ऐसे में दोस्तों आप अपने सीधा नोट फोन का ही जो डिस्प्ले है उसको एज अ ट्रैक पैड यूज करते हुए काफी जैसे नेविगेट कर सकते हैं इसी डेक्स मोड में, जहां पे आपकी एप्स हैं और दोस्तों कंप्यूटर की तरह आपको सामने अपने आइकन्स वगैरह मिल जाते हैं। कोने में दोस्तों आपके लिए जो है वो नोटिफिकेशन सेटिंग्स वगैरह है, मतलब एकदम ऐसा लगता है कि आप एक्चुअल में किसी कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं। और ऐसे में आपको दोस्तों अगर चाहिए प्रिसाइज मूवमेंट्स तो आप ट्रैक पैड पे अगर चाहें तो ऊपर अपने एस पेन की मदद से दोस्तों और बेहतर तरीके से जो है वो पॉइंट कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप अपने फोन के साथ में एक ब्लूटूथ कीबोर्ड या माउस को अटैच कर लें तो उसके बाद तो भैया समझ लो कि सीधा जो प्रोडक्टिविटी है वो बिल्कुल इनटू 100 हो जाएगी। मतलब क्या कहना है कि भैया माउस आपके पास में है, कीबोर्ड आपके पास में है, तो आप दोस्तों इनफैक्ट अगर चाहे तो अपने कुछ गेम्स जो हैं वो भी बड़े स्क्रीन पे एंजॉय कर सकते हैं। और ऐसे में जो मुझे लैग वगैरह या दोस्तों ऐसा अगर आपसे बात करता हूँ कुछ तो वो देखने को नहीं मिला, मतलब काफ़ी सीमलेस और काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस है वायरलेस डेक्स के साथ में। हालांकि ये फिलहाल अभी भी मतलब मैं कहूँगा कि और नए नए फीचर्स आपके साथ दोस्तों लेके आता जा रहा है, काफ़ी इंप्रूव होता जा रहा है, लेकिन फिलहाल के लिए परफेक्टली यूजेबल है बिना किसी इशू के। मतलब ये एक ऐसा नया तरीका है कि आप सीधा अपने फोन को मतलब एक होता है ना सिंपल फोन का स्क्रीन मिरर करना, यहां पर दोस्तों ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस्ड है, जहां पे आप एक कंप्यूटर की तरह अपने फोन को यूज कर पा रहे हैं। और फिर अगर आपसे बात करता हूं फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन की, तो अगर दोस्तों आप कोई पीपीटी खोलते हैं तो उसको आप क्योंकि आपके पास में है ये जादू की छड़ी एस पेन, तो बड़े आराम से इसी से ही दोस्तों स्लाइड्स को जो है वो नेक्स्ट या प्रीवियस कर पाएंगे, तो मतलब बिल्कुल जादू की तरह अपना काम पूरा कंप्लीट कर सकते हैं आप वायरलेस डेक्स की मदद से बड़े आराम से सीधा एक क्लिक के साथ में। अब इसके अलावा दोस्तों चीजें जो हैं वो और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए, जहां पर दोस्तों आपसे अगर बात करता हूं कि आपका जो पीसी है और जो आपका फोन है उसके बीच में बेहतर लिंक एस्टैब्लिश करने के लिए, यहां पर दोस्तों नोट 20 अल्ट्रा में हमको मिलता है लिंक टू विंडोज का ऑप्शन। और इसके बाद दोस्तों आप अगर यूज करते हैं एक पीसी जहां पर आप यूज करते हैं योर फोन ऐप को, तो आप बड़े आराम से अपने फोन का जो सारा कॉन्टेंट है वो अपने पीसी में भी देख पाएंगे। फिर चाहे दोस्तों बात करूं अपनी फेवरेट ऐप्स को यूज करने की, या फिर दोस्तों आप जो है वो फोटोज देख सकते हैं, उनको अपने आप कंप्यूटर में कॉपी वगैरह कर सकते हैं बड़े आराम से, आप इनफैक्ट अपने कंप्यूटर से दोस्तों फोन के मैसेजेस या कॉल्स वगैरह देख पाएंगे। इसके अलावा अपने फोन का पूरा स्क्रीन देख पाएंगे, आप अपनी ऐप्स को फेवरेट दोस्तों कर सकते हैं, सीधा आप वहीं से शॉर्टकट्स बना के उनको लॉन्च कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपसे बात करूं एक टीवी की तो उसका ऑप्शन है वायरलेस डेस्क के साथ में, और यहां पर अगर आपसे दोस्तों बात करता हूं लिंक टू विंडोज ऑप्शन की, तो यह भी आपको एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन देता है कि सीधा आप अपने पीसी के साथ में अपने फोन को पेयर करने के बाद में दोनों के बीच में दोस्तों जो कनेक्शंस हैं वो बेहतर तरीके से सिंक करते हुए अपना जो सारा काम है वो और बेहतर तरीके से मैनेज कर पाएंगे ऑन द गो। तो ये थी कुछ बातें, मतलब
मजा आ रहा है भाई, इतना बड़ा फोन हो गया है हमारा और उसके अंदर दोस्तों हम गेम खेल रहे हैं, मतलब उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं, या इनफैक्ट अगर आप चाहें तो भैया एक साथ पता नहीं कितनी कितनी ऐप्स को यूज कर ले। डेस्कटॉप की तरह दोस्तों आप जो है वो इंटरनेट को ब्राउज कर सकते हैं अलग अलग वेबसाइट ओपन करते हुए। तो मतलब ये एक बहुत ही शानदार सी चीज़ है। और ऐसे भी मजे की बात कि ये जो मतलब टेक्निकली आपका सीपीयू है जो दोस्तों मतलब टीवी है वो तो सिर्फ मॉनिटर हुआ ना, यहाँ दोस्तों सीपीयू जो है वो वायरलेसली एक मॉनिटर से कनेक्टेड है, काम ज़्यादा हो रहा है और फोन के ऊपर आप कुछ और काम भी कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि फोन जो है वो बस उसी मोड में आ गया तो फोन बाद में रुक गया, नहीं, फोन के ऊपर अगर आप चाहें तो आप व्हाट्सएप पे चैट कर सकते हैं, आपका डेस्क मोड अलग से चलता रहेगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही बेहतरीन बातें हैं दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूं। उस फिलहाल वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।